CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN News। आइए देखते हैं आज की खास खबर। श्री मौली शक्ति फाउंडेशन की तरफ से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने एकले वर्धापन दिन सांताक्रूज बाकुला के डवरी नगर के मैदान में बड़ी धूमधाम से मनाया गया तथा 26 जनवरी सुबह गणतंत्र दिन के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम डवरी नगर के नागरिकों के साथ संपन्न हुआ। वर्धापन दिन में शामिल प्रमुख उपस्थिति आदर्श फाउंडेशन की अध्यक्षता सुजाता सिंह सावंत जी और उनकी टीम त्रिरत्न प्रेरणा मंडल की सुनीता भावेकर जी, नेहरू युवा केंद्र मुंबई की टीम, हेल्थ सामाजिक संस्था तथा समाज सेवक एडवोकेट ज्योति जाधव, एडवोकेट शशिकांत बडीकर, एडवोकेट वैभव जाधव, ज्येष्ठ समाज सेवक संतोष कदम जी, श्री युवा शक्ति श्री नृत्य कला मंच आयतुल्ला जी, भवानी आशीर्वाद मंडल, बाल मित्र मंडल, ओम साई गोविंदा पथक, ओम शिव साई मित्र मंडल, अमर अजीत मित्र मंडल, नागपंथी डवरी गोसावी समाज, कोकड़ी समाज और अन्य साथी, बस्ती के होनार बच्चों की तरफ से नृत्य आविष्कार पेश किए गए तथा राजन पंचीकर जैसे शास्त्रीय संगीत के माहिर गायक तथा विनोद जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय गायक उन्होंने देशभक्ति पर गीत पेश किए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंद मेरे भारतवासियों, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम प्रशांत अनिता पांडुरंग जाधव, हम यहाँ पे गणतंत्र दिवस महोत्सव मना रहे हैं और इस गणतंत्र महोत्सव को रौनक चार चांद लगाने के लिए श्री मावली शक्ति फाउंडेशन, श्री युवा शक्ति, श्री नृत्य कला मंच, युवा संगठनों ने विशेष सहकार्य किया है और कंधों से कंधा मिलाने के लिए उनको मार्गदर्शन करने के लिए हमारी जी जो आदर्श फाउंडेशन जो कुर्ला विभाग की सुजाता मैडम सावंत इनका दायित्व है, उसके बाद त्रिरत्न प्रेरणा मंडल, उसके बाद नेहरू युवा केंद्र कलीना इनका भी दायित्व है। दोस्तों, हमारा प्रयास यहाँ ही खत्म नहीं होता है। इस देशभक्ति महोत्सव के लिए हमें जिस मंडल ने हमारे साथ इस काम में जुटे हुए है, हम सब भारतवासी जिसमें डवरी नागपंथी गोसावी समाज, आई तुलजा भवानी आशीर्वाद मंडल, बाल मित्र मंडल साई गोविंदा पथक और शिव साई मित्र मंडल अमरजीत मित्र मंडल, इनके सकल प्रयत्न से आज हमारे ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी हुआ और गणतंत्र का दिवस भी पूरे शोरों से मनाया गया है। यही नहीं तो 25 तारीख को हमारे यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है जिसमें नृत्य संगीत और मान्यवर जो शिक्षा, मेरे भारतवासियों में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए सबसे बड़ा योगदान है तो हमारे डवरी नगर के रहवासियों का, क्योंकि उनका प्रोत्साहन, उनमें देशभक्ति जागृत हुई है, इसके वजह से ये कार्यक्रम हुआ है। और मैं आप सभी भारतीयों से यही निवेदन करूँगा कि आज डवरी नगर गेट नंबर एक ने संकल्प लिया है वाकुला ने, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे देश में ध्वजा महोत्सव होना ज़रूरी है, ऐसे कार्यक्रम होना ज़रूरी है और मैं हम सब की तरफ से आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम।